आज हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, यानी फ्रीडम की। तो फ्रीडम, स्वतंत्रता को हम फ्रीडम भी कहते हैं, लिबर्टी भी कहते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता को हम फ्रीडम और लिबर्टी क्यों बोलते हैं, यानी स्वतंत्रता के लिए दोनों शब्दों का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ये मैं इसके बाद बताऊंगा। बट पहले हम सबसे पहले स्वतंत्रता का जो अर्थ है उसके बारे में बात करेंगे। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, अर्थ के आधार पर स्वतंत्रता के कितने रूप होते हैं, तो सबसे पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता आखिर कहते हम किसे हैं, स्वतंत्रता हम किसे कहते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए। तो स्वतंत्रता के अर्थ में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो स्वतंत्रता का जो तात्पर्य है, यानी स्वतंत्रता जो शब्द है उसके लिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और लिबर्टी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लिबर से लिया गया शब्द है। और लिबर का लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है, सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। यानी लैटिन भाषा में जो लिबर शब्द है वो ये कहता है कि सभी प्रकार के बंधनों का अभाव होने का नाम ही क्या है, स्वतंत्रता है, यानी अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंस। अब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव का मतलब क्या है, सभी प्रकार के बंधनों का अभाव का मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी भी काम को करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हो और उस पर किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक ना हो, इस प्रकार की बात करता है स्वतंत्रता। यानी आपके मन में कोई भी थॉट प्रोसेसिंग हो रही है, आपके मन में कोई भी विचार पनप रहा है, तो उस विचार को आप अभिव्यक्त करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, लेकिन आपके उस विचार की अभिव्यक्ति के लिए आप पे किसी भी प्रकार का बाह्य रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो यानी स्वतंत्रता का मतलब क्या है, यहां पे किसी भी प्रकार का रोक टोक का ना होना ही क्या है, स्वतंत्रता है। हम अपनी स्वेच्छा से कुछ भी करें लेकिन हमारे कामों में कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की बात करता है स्वतंत्रता, ठीक है। तो यानी जो लिबर शब्द है वो इसी प्रकार की बात करता है कि किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। बंधनों से मुक्त अगर हम हैं तो वास्तव रूप में हम क्या है, स्वतंत्र हैं। तो इस तरीके से स्वतंत्रता का जो बेसिक अर्थ है वो क्या है, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंस की बात करता है, यानी किसी भी प्रकार के बंधन के ना होने की बात करता है। अब ठीक है, जो लिबर्टी है, लैटिन भाषा से लिया गया जो शब्द लिबर है, लिबर का जो अनुवाद है वो है क्या है, किसी भी प्रकार का बंधन का ना होना। लेकिन हम अपनी मर्जी से अगर कोई भी काम करेंगे और उस पर किसी भी प्रकार का अगर कोई बंधन नहीं होगा तो जरूरी नहीं वो काम दूसरे के लिए सही हो। यही तो बोल रहा है ना, स्वतंत्रता की जो बुनियादी परिभाषा है वो हमें यही तो बता रही है कि हम पे किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, यही बात कह रहा है ना। लेकिन अगर हम पे किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा तो हम अपनी इच्छा से किसी के यहां से भी चोरी कर सकते हैं, किसी की भी हत्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता की जो ये परिभाषा है या जो अर्थ है, ये स्वतंत्रता की स्थिति को स्पष्ट नहीं करता हुआ प्रतीत होता है। तो स्टार्टिंग में आप इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब इस तरीके की स्वतंत्रता के बारे में अवधारणा पैदा हुई कि भाई किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी चीज स्टार्टिंग में आती है तो उसका फर्स्ट वजूद क्या होता है, उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, ठीक है। लेकिन जब इस प्रकार की संकल्पना स्वतंत्रता की सबसे पहले पैदा हुई तो व्यक्ति ने क्या किया, अपनी मर्जी से वो कुछ भी करने लगा। धीरे धीरे क्या किया, वो इतना ज्यादा निरंकुश होने लगा या इतना पावरफुल होने लगा कि वो दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसमें दखलंदाजी करने लगा। तो इसी आधार पे, इस अर्थ के आधार पे जब इस स्वतंत्रता के दुष्परिणाम हमें देखने को मिले तो फिर इसमें एक नया रूप स्वतंत्रता का पनपा और इसमें ये चीजें ऐड होने लगी कि भाई कहीं ना कहीं हम अपनी मर्जी से कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, तो इस प्रकार की बात आने लगी। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण के पनपने से अर्थ के आधार पर स्वतंत्रता मुख्यतः दो भागों में डिवाइड होती हुई हमें प्रतीत होती है, ठीक है। नंबर एक पे नकारात्मक स्वतंत्रता का हम जिक्र करते हैं और नंबर दूसरे पे हम सकारात्मक स्वतंत्रता का जिक्र करते हैं। अब इसको समझ लीजिए कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। नकारात्मक स्वतंत्रता यानी व्यक्तिवादी राज्य को सीमित करने की पक्षधर होते हैं और दूसरी तरफ सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करने की बात करती है और व्यक्तिवाद को सीमित करने की बात करती है। अब ये व्यक्तिवाद क्या हुआ, व्यक्तिवाद का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ है, वो जो काम करता है उस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, ये व्यक्तिवाद कहता है। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कह रही है, सकारात्मक स्वतंत्रता कह रही है कि व्यक्तिवाद पे भी कुछ लिमिटेशंस लगाना चाहिए हमें, तभी हम वास्तव रूप में स्वतंत्रता दे पाएंगे। तो मोटे तौर पर जो नकारात्मक स्वतंत्रतावादी जो विचारक हैं, राज्य के कार्यों को सीमित करना चाहते हैं, राज्य के कार्यों को वो सीमित इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि राज्य
जितने भी कानून बनाएगा या राज्य जितने काम करेगा उन सभी कामों से क्या होगा, व्यक्ति के जीवन में दखल पड़ेगा। तो राज्य की दखलंदाजी को कम करने के लिए राज्य के कम से कम काम की पैरवी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो राज्य के कार्यों को बहुत सीमित करने के पक्ष में होते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि कानून जितने अधिक होंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही सीमित होगी। कहने का मतलब यह कि राज्य कम से कम काम करे, राजा ज्यादा काम करेगा तो व्यक्ति के जीवन में दखल देगा और फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। इस प्रकार की बात नकारात्मक स्वतंत्रतावादी करते हैं। अब हम बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की। तो जब नकारात्मक स्वतंत्रता का जो वजूद पनपा है, यानी स्टार्टिंग में जो हम लिबर शब्द की बात कर रहे हैं, और ये लिबर शब्द का जो अर्थ है वो नकारात्मक स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब नकारात्मक स्वतंत्रता अस्तित्व में आई तो नकारात्मक स्वतंत्रता के दुष्परिणामों के कारण सकारात्मक स्वतंत्रता की अप्रोच डेवलप हो। उसके बाद सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है, सकारात्मक स्वतंत्रता चाहती है कि भाई व्यक्ति अगर अपने विकास को करने में सक्षम नहीं है तो फिर राज्य को उसमें उसका कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि मैं अगर अपना विकास खुद नहीं कर पा रहा हूं तो फिर क्या करे राज्य, ऐसी स्थिति में नागरिकों के विकास के लिए क्या करे, उनके जीवन में हस्तक्षेप करे और उनको आगे बढ़ाए। तो सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप की बात करती है और उसके विकास के लिए राज्य के हस्तक्षेप को जरूरी मानती है, जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या करती है, वो बिल्कुल भी राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकारती नहीं है। उसका मानना है कि व्यक्ति अपने आप में इतना विवेकशील प्राणी है, इतना सर्वश्रेष्ठ है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है कि राज्य अगर कोई व्यक्ति अपने विकास करने में अपने आप में सक्षम नहीं है तो राज्य को उसके विकास करने के लिए उसके जीवन में हस्तक्षेप करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार की बात सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है। मोटे तौर पे अगर हम सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के अर्थों को समझने की कोशिश करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीजें याद रखनी है कि नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता देता है कि उस स्वतंत्रता में वो राज्य की दखलंदाजी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के कल्याण के लिए, व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप की बात करता है। तो मोटे तौर पे व्यक्ति के जीवन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं, मोटे तौर पे व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप, पर हस्तक्षेप किस लिए, क्योंकि व्यक्ति के विकास के लिए राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। अगर व्यक्ति अपना विकास कर ही नहीं पाता तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा, तो कौन ले जाएगा, राज्य आगे ले जाएगा। इस प्रकार की बात सकारात्मक स्वतंत्रतावादी विचारक करते हैं। तो अब अर्थ के आधार पर हमें समझ में आ गया कि ये जब जो अर्थ है वो नकारात्मक स्वतंत्रता को प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सकारात्मक स्वतंत्रता की अप्रोच की भी क्या होती है, डेवलप होती है और स्वतंत्रता के दो पक्ष हमारे सामने उभर करके आते हैं। तो हमने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की हमने बात की। हमने नकारात्मक स्वतंत्रता में बोला कि नकारात्मक स्वतंत्रतावादी जितने भी विचारक हैं वो व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के बंधन को नहीं मानते हैं। मोटे तौर पे ये राज्य के हस्तक्षेप को बिल्कुल भी व्यक्ति के जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की सोच रखने वाले जो मुख्य विचारक हैं उनमें बर्लिन का नाम हम मुख्यतः देखते हैं, ईसाई बर्लिन, ठीक है। उसके बाद मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन इनका पूरा नाम है। उसके बाद डी टॉकविले और माइकल ओक्सॉर्ट प्रमुख हैं। कहने का मतलब बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टॉकविले, माइकल ओक्सॉर्ट नकारात्मक स्वतंत्रतावाद के समर्थकों में अग्रणी हैं। उसके साथ साथ जो अन्य समर्थक विचारक हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के वो हॉब्स, लॉक, लॉर्ड एक्टन और कॉन्स्टेंट। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रतावादी विचारक हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सभी विचारक इस प्रकार की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रतावादी विचारक की। तो सकारात्मक स्वतंत्रतावादी विचारकों में सबसे पहले हम बात करते हैं रूसो का, ठीक है। उसके बाद कांट, हीगल, ग्रीन, बोसाके, बारकर और लास्की, लियोस्ट्रॉस, मैकफर्सन। रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन। उसके बाद बोसाके, बारकर, लास्की, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसाके, बारकर, लास्की, लियोस्ट्रॉस और मैकफर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सिक्वेंसली आप याद करें तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। यहाँ बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टॉकविले, ओक्सॉर्ट, बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टॉकविले, ओक्सॉर्ट, हॉब्स, लॉक, एक्टन, कॉन्स्टेंट। हॉब्स, लॉक, एक्टन, कॉन्स्टेंट। हमने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में हमने बात करी थी विचारकों की, लेकिन जेएस मिल ऐसे विचारक हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता में भी आते हैं और सकारात्मक में भी आते हैं। जीएस मिल को नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में हम इसलिए रखते हैं, पहले तो वो इस प्रकार की बात करते हैं कि व्यक्ति की प्रभुत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए,
तो पहले वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में वो किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की बात नहीं करते हैं। लेकिन बाद में जीएस मिल अपने विचारों में कुछ नए विचार प्रस्तुत करते हैं और उसमें कहते हैं कि भाई मैं भी कुछ अगर संभावनाएं हैं तो राज्य व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए राज्य के हस्तक्षेप भी जरूरी है। तो बाद में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकारते हैं। इसलिए एक ही समय में मिल अलग अलग प्रकार के विचार मिलकर हमें देखने को मिलते हैं जो सकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में भी आते हैं और नकारात्मक स्वतंत्रता की भी श्रेणी में आते हैं। इसलिए मिल को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस तरीके से हमने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारक हैं उनका जिक्र किया कि भाई नकारात्मक स्वतंत्रतावादी विचारक कौन कौन से हैं और सकारात्मक स्वतंत्रतावादी